वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाऊंगा लिथियम फॉस्फेट बैटरी, जो कि होगी 4 SC और 6 एम्पियर। इसका जो वोल्टेज होगा वो 12 वोल्ट होगा। फ्रेंड्स, ये जो है एक कस्टमाइज बैटरी, हमारे एक कस्टमर हैं, उन्होंने हमसे बनवाई है। इससे पहले उन्होंने हमसे काफ़ी सारी लिथियम बैटरी खरीदी थी, तो उनकी डिमांड थी कि इस बार लिथियम फॉस्फेट बना के दीजिए। तो फ्रेंड्स, हमने उन्हें यहाँ पर लिथियम फॉस्फेट बैटरी बना के दी है। इसके अंदर जो सेल यूज किया गया है वो लिथियम फॉस्फेट का सेल यूज किया गया है, जिसकी कैपेसिटी 6000 mAh, मतलब कि मिली एम्पियर होती है। जिसको हम एम्पियर में बदलेंगे तो 6 एम्पियर हमारा आ जाएगा एक सेल का कैपेसिटी। और इसका जो वोल्टेज होता है वो होता है 3.2, तो इसीलिए हमें यहाँ पर 3 की जगह 4 सेल सीरीज में कनेक्ट करने होते हैं, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज ऐड होता है और पैरेलल में एम्पियर ऐड होता है, जो कि बैटरी की कैपेसिटी होती है। तो यहाँ पे हमें 12 वोल्ट बनाने के लिए 3.2 वोल्ट के 4 सेल को सीरीज करना होगा। तो यहाँ पे इसीलिए हमें BMS भी 4S का लगाना पड़ेगा। जब हम 4S का एक BMS लगा रहे हैं तो एक स्मार्ट BMS लगाएंगे, जिसके अंदर टेम्परेचर मॉनिटरिंग का भी सिस्टम होगा। NTC इसमें लगा होगा, जो इसके टेम्परेचर को मॉनिटर करेगा, और इसको काफ़ी सारे प्रोटेक्शन ये BMS देगा, जैसे ओवरचार्ज, डीप डिस्चार्ज, शॉर्ट सर्किट, ऐसे प्रोटेक्शन भी इसको प्रोवाइड करेगा। प्रॉपर तरीके से मैंने इस बैटरी को बनाया है, किस तरीके से बनाया है वो आप वीडियो में देख सकते हो। अगर आप खुद से बनाना चाहो तो आप वीडियो देख के अच्छी तरीके से समझ के ये बैटरी बना सकते हो। और इससे रिलेटेड आपको कोई रॉ मटेरियल चाहिए, जैसे सेल, स्पेसर, BMS, हीट सिंक, वो सारा सामान हमारे स्टोर sarvamar.in पे मिल जाएगा, जो आप साइड में देख रहे हो। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड सारे A to Z आइटम काफ़ी चीप प्राइस में मिल जाएंगे, आप वहाँ से काफ़ी चीप प्राइस में खरीद सकते हैं। अगर आप हमसे बैटरी बनवाना चाहते हो काफ़ी अच्छे प्राइस में, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपको सारी डिटेल्स फॉरवर्ड करा देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरीके से हमने इस बैटरी को बनाया है। स्टेप बाई स्टेप आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं 4 सेल ले रहा हूँ और ये 32700 का सेल है, यानी इसका जो साइज है वो 32x700 mm है, और इसकी जो कैपेसिटी है वो 6000 mAh है, यानी कि 6 एम्पीयर का एक सेल है। और इसका जो बोल्ट है वो 3.2 है। तो हमें यहाँ पे 12 बोल्ट बनाने के लिए 4 सेल का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ पे मैं 4 सेल ले रहा हूँ। उसके बाद ये हो गया स्पेसर, मैं इसको फंसा के 2 पैटर्न बनाऊँगा, एक ऊपर के लिए और एक नीचे के लिए, ठीक है। जैसे ये इसमें ग्रुप वगैरह दिए गए होते हैं तो ये आसानी से इसमें फिट हो जाते हैं, जैसे मैं आपको वीडियो में करके दिखा रहा हूँ। तो ये 2 यहाँ पे फ्रेम बनेंगे, एक ऊपर के लिए और एक नीचे के लिए, और ये 2x2 का होने वाला है यहाँ पे मैं। तो ये 2 फ्रेम मैंने बना लिए। इसके बाद हमें इसमें सेल फिट करना होगा। तो सेल फिट करने से पहले मैं यहाँ पे इस टाइप का इंसुलेशन वॉशर पॉजिटिव साइड लगा देता हूँ। पॉजिटिव साइड और ज़्यादा इंसुलेशन हो जाएगा इसे लगाने से, और बैटरी की लाइफ भी बढ़ जाएगी, काफ़ी अच्छा होता है प्रोटेक्शन वगैरह। जब भी आप इस टाइप की बैटरी बनाओ हैवी, तो इस टाइप के इंसुलेशन वॉशर ज़रूर लगाओ। तो यहाँ पे मैंने लगा दिए ये चारों के ऊपर। अब मैं इसको फिट करता हूँ, यानी एक सेल के पॉजिटिव को ऊपर, फिर नेगेटिव को ऊपर, फिर पॉजिटिव को और फिर नेगेटिव को ऊपर। इस टाइप से हमें सेल फिट कर लेने हैं चारों। और ये जो मैंने स्पेसर का फ्रेम बनाया है, मैं इसे फंसा देता हूँ यहाँ पे, जिससे कि बैटरी के बीच में जगह रहेगी, वेंटिलेशन रहेगा। अब फ्रेंड्स, मैं इसको यहाँ पर ग्राइंड करूँगा, हल्की हल्की इस पर स्क्रैच लगाऊँगा। स्क्रैच लगाने से क्या होगा कि जब भी हम इस पर शोल्डरिंग करेंगे तो शोल्डर इस पर प्रॉपर हो पाएगा। तो इस पर जितने भी पॉइंट्स थे, मैंने यहाँ पर शोल्डरिंग के लिए थोड़ी सी ग्राइंडिंग कर दी है हल्की हल्की। अब मैं यहाँ पर फ्लक्स लगा के पहले सेल के ऊपर शोल्डरिंग कर लेता हूँ, जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। इस टाइप से मैंने फ्लक्स लगा लिया और अब मैं यहाँ पर शोल्डरिंग करूँगा पहले सेल के ऊपर। ये जितने भी पॉइंट्स हैं मैं सब पर शोल्डरिंग कर लेता हूँ। इससे क्या होगा कि हम जब सोल्डरिंग करेंगे तो सेल बहुत कम टाइम के लिए गर्म होगा और सोल्डरिंग है वो अच्छी तरीके से हो पाएगी। तो जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पे मैं सोल्डरिंग कर लेता हूँ। उसके बाद हम इसमें जो कनेक्शन करेंगे, अब फ्रेंड्स मैं इसके ऊपर निकलिस स्ट्रिप लगाऊंगा। तो यहाँ पे सोल्डरिंग हो चुकी है और यहाँ पे मैं मेजर कर लेता हूँ निकलिस स्ट्रिप, और मेजर करके मैंने यहाँ पे 3 पीस कट कर लिए। पहले सेल के पॉजिटिव को छोड़ दिया है, दूसरे सेल के नेगेटिव को तीसरे सेल के पॉजिटिव के साथ जोड़ दिया है, फिर उसी साथ तीसरे सेल के पॉजिटिव को चौथे सेल के नेगेटिव के साथ जोड़ा है। और यहाँ पे टोटल 3 जगह हमें इस टाइप से करना होगा, जिससे कि इसके जो वोल्टेज है वो जुड़ जाएंगे। अब मैं नीचे की साइड लगा लेता हूँ इन दोनों पर। इसे बिल्कुल हमारा कनेक्शन कम्प्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें पैरेलल कनेक्शन हमें नहीं करने, सिर्फ सीरीज कनेक्शन करने। सीरीज कनेक्शन में यानी कि एक दूसरे के पॉजिटिव नेगेटिव को
जोड़ देना है, जिससे कि वोल्टेज इसका जो जुड़ता चला जाएगा, तो इसका जो वोल्ट है वो 12 वोल्ट बन चुका होगा लगभग। मैं आपको चेक भी करके दिखाऊंगा यहाँ पे इसके फाइनल कनेक्शन होने के बाद। तो मैंने ये दोनों नीचे की साइड और एक साइड ऊपर की कर लिया है। अब यहाँ पे मैं आपको वोल्टेज चेक करके दिखा दूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 13.14 वोल्ट यहाँ पे आ रहे हैं, जो कि एकदम मस्त वोल्ट बन रहे हैं। अब मैं यहाँ पे एक BMS लूँगा, ये 4S का एक BMS है और इसके साथ ही ये लगा हुआ है इसमें NTC, जो कि इसके टेम्परेचर को मॉनिटरिंग करेगा। तो यहाँ पे मैं एक सेल के ऊपर इसको चिपका देता हूँ। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैं जो नेगेटिव है, यानी कि जो पहले सेल का नेगेटिव है, वहाँ पे मैंने एक वायर कनेक्ट कर लिया है और ये बैटरी के नेगेटिव यानी कि B- यहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद मैंने 3.2 वोल्ट पे यहाँ पे कनेक्शन कर दिया है, यानी कि जहाँ पे पहली बैटरी और दूसरी बैटरी कनेक्ट हो रही हैं, B2 यानी कि दूसरी और तीसरी बैटरी जहाँ पे कनेक्ट हो रही हैं, और फिर उसके बाद B3 यानी कि तीसरी और चौथी बैटरी जहाँ पे कनेक्ट हो रही हैं वहाँ पे मैंने इसको लगा दिया है, जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। प्रॉपर तरीके से यहाँ पर मैंने सोल्डरिंग की, अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर मैंने वायर यूज़ किए हैं, जिससे कि BMS हर एक सेल के बोल्ट मेजर करता रहे, मॉनिटरिंग करता रहे। ठीक है, यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स थे मैं सब पे प्रॉपर तरीके से सोल्डरिंग कर रहा हूँ, जितनी भी यहाँ पे हमने सेल की सीरीज़ बनाई है। उसके बाद यहाँ पे हमें फिर एक वायर और लगाना है, ये इसका फाइनल आउटपुट और इनपुट का वायर होगा। तो यहाँ पे मैं हैविल्स का वायर यूज़ कर रहा हूँ, 1 mm का, अच्छी क्वालिटी का। यहाँ पर ये पॉजिटिव वायर बन गया है इसका, फाइनल पॉजिटिव, और मैं इसे यहाँ पर शोल्डर कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे बैटरी के कनेक्शन हो चुके हैं कंप्लीट। अब मैं BMS की आउटपुट आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं BMS आउटपुट दिखा रहा हूँ, 13.13 या 14 वोल्ट आ रहे हैं, एकदम फिक्स है 13.13। अब मैं यहाँ पे दो वायर हैवी क्वालिटी के रेड और ब्लैक लगा देता हूँ, यही इसके इनपुट और आउटपुट के वायर होंगे। और यहाँ पर मैं प्रॉपर शोल्डरिंग कर रहा हूँ, जैसे आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर कुछ कार्डबोर्ड कट कर लिया हूँ इसके साइज़ का, और मैं इसे थ्रेड टेप की मदद से अच्छी तरीके से चिपका देता हूँ यहाँ पे। और ये मेरे को दोनों साइड से लगाना है, जिससे कि बैटरी फुली कवर हो जाए। इससे फ़ायदा ये रहता है कि कार्डबोर्ड काफ़ी मोटा होता है, तो अगर बैटरी आपके हाथ से छूट जाए तो वो टूटेगी नहीं, और साथ ही इंसुलेशन की लेयर बढ़ जाती है, यानी मल्टी लेयर इंसुलेशन हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने कार्डबोर्ड को लगा लिया है, मेजर करके कट करके मैं इसको सेट कर देता हूँ, और प्रॉपर तरीके से मैंने इसको थ्रेड टेप से टाइट किया है, जिससे कि ये खुले नहीं, कोई दिक्कत नहीं आए। और जितनी भी साइड्स थी सब पे मैंने प्रॉपर टेप लगाया है, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, बिल्कुल लाइव आपके सामने हर एक चीज़। अब इसके बाद हमें इस पर हीट श्रिंक स्लीप चढ़ानी होगी, तो यहाँ पे मैं 170 mm की ये वाली हीट श्रिंक स्लीप ले रहा हूँ, और इसको मेजर करके यहाँ पर कट कर लिया हूँ, और इसको दोनों साइड से हमें चढ़ाना होगा। तो यहाँ पर मैं इसको हॉट एयर गन से चढ़ा के गर्म कर रहा हूँ, जिससे ये टाइट हो जाएगी। ये आप जो वीडियो में देख रहे हो, प्रॉपर तरीके से मैं इसको गर्म कर रहा हूँ, चारों तरफ से आपको गर्म करनी है घुमा घुमा के, जैसे कि ये पूरी तरीके से टाइट हो जाए। और अगर आप हमसे बनवाना चाहते हो तो आप हमसे भी बनवा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक या स्क्रीन पे दिए गए नंबर के थ्रू आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हम आपको सारी डिटेल्स फॉरवर्ड करा देंगे। आप देख सकते हो कि हम प्रॉपर तरीके से बैटरी बना रहे हैं, कोई कमी इसमें नहीं छोड़ रहे हैं। जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट भी बच गया है ना फ्रेंड्स, मैं इसको कट कर देता हूँ यहाँ पर, जिससे कि इसके ऊपर हम एक और लेयर चढ़ाएंगे तो उसमें कोई दिक्कत ना आए। तो मैं इसको नाइफ से बिल्कुल प्रॉपर यहाँ पे कट कर देता हूँ जो एक्स्ट्रा पार्ट है, ये आप देख सकते हो। और अब मैं इसके ऊपर एक और लेयर चढ़ा देता हूँ हीशिंग की, और फिर इसको हमें गर्म करना है। ये गर्म करने से टाइट हो जाती है और एकदम ऐसा लगता है जैसे लेमिनेशन हो चुकी है, चिपक चुकी है। तो यहाँ पर मैं इसको गर्म करके फिट कर दिया हूँ। बैटरी आप देख सकते हो कि बन के एकदम कम्प्लीट हो चुकी है हर एक साइड से, और इसमें से वायर भी निकल चुके हैं। ये जो दो वायर हैं ये इसके इनपुट और आउटपुट के वायर होने वाले हैं। मैं यहाँ पे आपको इसके वोल्टेज एक और बार चेक करा देता हूँ कि इसके वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं पूरे। तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ मल्टीमीटर लगा दिया है, तो इसके 13.13 वोल्ट जो कि एकदम परफेक्ट हैं वो कम्प्लीट बन के आ चुके हैं। यहाँ पर आपको एक मोटर भी चला के दिखा देता हूँ छोटी सी, जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि इसके जो बोल्ट और एम्प हैं वो पूरे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं इससे स्पार्क करा रहा हूँ, तो ये स्पार्क करने के बाद शट डाउन हो जाती है बैटरी, जिससे हमें शॉर्ट सर्किट का भी प्रोटेक्शन मिल जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इससे प्रॉपर तरीके से मोटर चल चुकी है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।